आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकल स्प्रेन के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगल है, मैं एक ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट। एंकल स्प्रेन, जिसे आम भाषा में हम पैर का मोच आ जाना कहते हैं, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें पैर अंदर की तरफ से ट्विस्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो हमारा पैर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। मेरी पहली सलाह जो आपको ये है कि कभी भी इस तरह की चोट हो तो उसे खुद से घर पे ट्रीट ना करें और एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत कॉमनली हम इस तरह के पेशेंट्स देखते हैं जिनको बहुत सीवियर एंकल इंजरी होती है और उसे वो घर पे ही ट्रीट करते रहते हैं 2-3 हफ्ते तक, और उसके बाद जब आते हैं पेन के साथ तो उसके बाद उसको हील करने में, ठीक होने में बहुत लंबा समय का टाइम लग सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि साथ में कोई छोटा फ्रैक्चर भी हो सकता है जोड़ के अंदर, जो मिस हो जाता है बिना एक्सीडेंट। इसलिए जब भी कोई एंकल ट्विस्ट वाली इंजरी आपको हो तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास आए, वो आपका एक एक्सरे एडवाइस करेंगे ये देखने के लिए कि कोई बोन की इंजरी तो नहीं है या कोई कार्टिलेज की इंजरी तो नहीं हो गई। वो एक बार डायग्नोस करने के बाद आज के टाइम में एंकल स्प्रेन के ट्रीटमेंट में हम शुरुआत से ही अगर कोई ज्यादा स्वेलिंग या पेन तो एक इमोबिलाइजर या प्लास्टर या एयर कास्ट यूज कर लेते हैं शुरुआत के 7-10 दिन के लिए। ऐसा करने से पेन और स्वेलिंग काफी कम हो जाती है और फिर उसके बाद अगले 2-3 हफ्ते तक हम धीरे धीरे एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की मदद से एंकल को अपने नॉर्मल स्ट्रेंथ पे वापस लेके चले जाते हैं। ऐसा ना करने से क्या होता है, ऐसा ना करने से कभी कभी लिगामेंट की इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हो पाती और आप एंकल में फिर से वो वाली स्ट्रेंथ कभी नहीं पा पाते। कभी कभी इसको ठीक होने में 6 महीने से 1 साल का टाइम भी लग सकता है और आपकी डेली की लाइफ में इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी एंकल की इंजरी हुई है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट से जरूर मिलें, अपने एक्सरेज कराएं और जो भी ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किया गया है उसको रेगुलरली फॉलो करें। थैंक यू।